जब वो सीएम बने तब मैं उनको बधाई देने जरूर गई थी, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सम्मान दें, उनको बधाई दें। और बाकी मैं अपने केस के बारे में कोई उनसे चर्चा नहीं की, लेकिन भाजपा वाले इसको राजनीति मुद्दा बना रहे हैं, जबकि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनीति सपोर्ट नहीं है। आपको तब कोई सहयोग नहीं किया गया था, किसका संरक्षण था प्रकाश बजाज को, किसने आपके ऊपर कुछ दबाव डाला था? कोई दबाव नहीं डाला उस समय। किस प्रकाश बजाज को किसका संरक्षण था उस समय? गवर्नमेंट का। आपके साथ और किसी ने भी छेड़छाड़ की थी? नहीं। आपने कहा अभी कि राम होली के टाइम में किसने किया था? लेकिन ये बात दफन थी दीदी और मेरे बीच में, उन्होंने मना किया कि किसी से इस बारे में चर्चा नहीं करना। लेकिन अभी जो दो दिनों में जो टिप्पणी देख रही हूँ मैं मंत्री जी का, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर उनकी बहू बेटी या उनकी बीवी के साथ में इस टाइप की जो हरकतें होती तो क्या वो अभी उनका यही बयान रहता? क्या कौन मंत्री है, क्या नाम है, नाम क्या है, कौन है, क्या नाम है, क्लियर करो। क्या किया था उन्होंने? आप उनके बंगले गए थे तो क्या हुआ था आपके साथ? होली के समय गई थी, पूरा गली मिला, पूरा डिटेल बताओ, पूरा घटना क्लियर बताइए, क्या कौन था, नाम सही बताइए। अभी तो बताइए नहीं तो फिर से दोनों को इसीलिए बदल गया। उस दिन क्या हुआ था, कहाँ गए थे? होली के रोज क्या घटनाक्रम था? वैसे होली के रोज नहीं था, होली के 3-4 दिन बाद होली मिलन था। मैं दीदी के यहाँ गई हुई थी बिलासपुर, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, तो उनके उनके अच्छे टर्म्स है उनसे, कौशिक जी से। उन्होंने होली मिलन पे दीदी को फ़ोन किया और बोला कि आप हमारे यहाँ पे होली मिलन है तो आप आइए। उस समय मैं और दीदी थे घर में अकेले, तो दीदी ने कहा कि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, मैं उनको अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। तो कौशिक जी ने कहा कि आप उनको भी ले आइए। मैं दीदी के साथ उनके साथ जब मैं गई तो बाहर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे सर। कौशिक जी ने कहा कि आप लोग अंदर बैठे, तो हम उनके हॉल पे बैठे। उनके उनका जो नौकर है वो पानी और कॉफ़ी वगैरह ला के दिया। थोड़ी देर में मंत्री जी अंदर आए और थोड़ा अपना परिचय दिया, और उन्होंने रंग लगा के दीदी को, मतलब पहले टीका लगाया उन्होंने। टीका लगाने के बाद में जब वो पूछे ये आपकी छोटी सिस्टर है, बोली तो दीदी ने कहा कि हाँ ये रायपुर में रहती हैं, अभी होली में आई हुई है। उन्होंने रंग उठाया और मैं मना की उनको कि मैं रंग नहीं लगवाती हूँ, जिसमें नहीं करता। उन्होंने कहा कि सिर्फ टीका बस लगाएंगे हम आपको। मैं बोली ठीक है आप छोटा सा टीका लगा देना। उन्होंने रंग उठाया, टीका लगाते पूरा ऐसे, टीका क्या ऐसा लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है टीका? टीका लगा के छोड़ देना चाहिए, गालों में क्यों रगड़े? और जब मैं वॉशरूम जाना चाह रही थी कि मुझे वॉश करना था, तो उन्होंने अपना गमछा निकाल के दे रहे थे कि आप इसमें पोछ लीजिए। एक मंत्री की गरिमा है ये, ऐसा करना चाहिए? कितने बड़े जो पद पे हैं, बाहर इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनको डर नाम का चीज़ नहीं है कोई? ये कितने दिन हो गया उसको? 2017 का है, होली के 3-4 दिन बाद जी। और जब हम बाहर निकल रहे थे, मेरी दीदी बाहर निकल गई थी, मुझे पर्स और मोबाइल उठाने में टेबल से थोड़ा सा 4-5 सेकंड लेट हो गई। मैं कोने में जाके मंत्री जी मुझे ऐसे बुला रहे थे हट करने के लिए, मैं नमस्ते की और निकल गई। आपने मना नहीं किया? नहीं, मैं नमस्ते की दूर से मैं बाहर आ गई। उस घटने के बाद में आज इस बात को आप बोल रही हैं? मना किया गया था सब चीज़ें बताने के लिए। किसका डर था? अब जो भी है घर में फैमिली मेंबर भी बोले कि वो लोग बड़े लोग हैं, उनसे दूर रहो। उसके बाद मैं दोबारा कभी नहीं तो आज इस बात को क्यों आना पड़ा? क्योंकि कौशिक जी का टिप्पणी है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि राजनीति से मैं पहले ही बोल चुकी इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है। कौन बोला था राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा था? कौशिक जी का स्टेटमेंट आया है कल, बदलापुर का रहती है, बदलापुर। ठीक है, ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। किरण मगर, अवंती बिहार। उन्होंने 7.5 लाख रुपए कैश और 2.5 लाख चेक से लिए, और मेरा 2 ब्लैंक चेक भी है उसके पास में, मतलब ब्लैंक चेक है, 2 चेक है उनके पास में। उसके बाद में उन्होंने मैं बोली आप 5 लाख किस बात की चाहते हैं? तो बोले कि आप नोटबंदी के टाइम में दिए थे। मैं बोली कि नोटबंदी के समय तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए दी थी, बाकी तो उस समय तो नोटबंदी के पहले ही दे चुकी थी मैं सारे पैसे।
पाँच लाख आप किस बात की काटेंगे? तो बोले नहीं भी मैं काट के दूंगा। वो जिद में अड़े थे अपने, कि मेरे जो परिचय हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं, उन्होंने पूछा कि आप जो घर ले रहे थे उसका क्या हुआ। वो लगातार मतलब पूछते थे ना सब चीज़ों को। तो मैं बोली कि घर फाइनेंस तो नहीं हो पा रहा है, मेरी फाइल में कुछ दिक्कतें आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अपने पैसे वापस मांगो। मैं बोली उनसे पैसे तो मैं वापस मांग रही हूँ, लेकिन वो पाँच लाख काटने की बात कह रहे हैं। तो बोले ऐसे कैसे, ये कैसी बातें हैं, पाँच लाख ऐसे किस बात की वो काटेंगे? तो बोले कि हम चलेंगे आपके साथ में, हमारा बाजार से परिचय है, हम चल के बात करेंगे। तो सुभाष अग्रवाल जी गए थे, दो तीन लोग और गए थे। तो बाजार गुस्सा